चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाइए और हर एक न्यूज सबसे पहले पाइए। भोजपुरी फिल्मों के डायनेमिक डायरेक्टर रजनीश मिश्रा की सबसे सुपर डुपर हिट फिल्म मेहंदी लगा के रखना का सीक्वल एक बार फिर से भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर बनने जा रही है, जिसका खुलासा उन्होंने खुद एक इंटरव्यू के दौरान किया है। आपको बता दें कि रजनीश मिश्रा का मेहंदी लगा के रखना और मेहंदी लगा के रखना 2 ने दोनों ही भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई किया। अब खबर आ रही है कि मेहंदी लगा के रखना 3 के भी शूटिंग बहुत जल्द ही शुरू किया जाएगा। हालांकि मेहंदी लगा के रखना 3 में कौन सी अभिनेत्री होगी ये खुलासा नहीं किया गया, लेकिन इतना कंफर्म कर दिया गया है कि मेहंदी लगा के रखना 3 में एक बार फिर से भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव नजर आने वाले हैं। जी हाँ, पहली में खेसारी लाल यादव ही नजर आए थे, लेकिन दूसरे में यानी कि मेहंदी लगा के रखना 2 में यश कुमार और चिंटू की जोड़ी भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर दस्तक दिया था। लेकिन मेहंदी लगा के रखना 3 में एक बार फिर से सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का जलवा भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है। हालांकि इस फिल्म में कौन सी अभिनेत्री काम करेगी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन मीडिया रिपोर्ट की खबर माने तो मेहंदी लगा के रखना 3 में भोजपुरी की उभरती हुई अदाकारा चांदनी सिंह नजर आ सकती है। जी हाँ, चांदनी सिंह ने एल्बम से अपनी करियर की शुरुआत किया और दिनों दिन उन्होंने भोजपुरी फिल्म में अपनी अलग पहचान बनाती हुई नजर आ रही है। तभी तो वो बैक टू बैक पवन सिंह के साथ कई सारी फिल्मों में नजर आने वाले हैं। लेकिन अब खबर आ रही है कि मेहंदी लगा के रखना 3 में एक बार फिर से खेसारी लाल यादव के साथ पहली बार चांदनी सिंह नजर आ सकती है, क्योंकि खेसारी लाल यादव के साथ चांदनी सिंह ने कई सारे सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया है और उनके गानों को काफी ज्यादा पसंद किया है। अब देखना यह है कि इसके बारे में ऑफिशियली अनाउंसमेंट कब किया जाता है।